हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है क्रोनोस और ये एक बहुत ही अच्छी ड्रामा फैंटेसी थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb पर 6.7 रेटिंग है। इसलिए दोस्तों, आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आप ही की तरह के बाकी मूवी लवर्स तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सके और हम इसी तरह कुछ हटकर मूवीज के एक्सप्लेनेशन आपको दे सकें। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें 16वीं सदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक अल्केमिस्ट को देखते हैं जिसका नाम उबरतो था और उसने केमिस्ट्री से एक ऐसी टेक्निक का इजाद कर लिया था जिससे कि अमरता को पाया जा सकता था और वो अल्केमिस्ट अपने आविष्कार का नाम क्रोनोस रखता है। अब इसके बाद हमें ठीक 400 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बिल्डिंग टूटकर गिर जाती है और उस मलबे के नीचे एक अजीब सा शख्स दिखाई देता है जिसकी स्किन पूरी तरीके से वाइट थी और ये वही अल्केमिस्ट था जो कि अपने बनाए हुए आविष्कार के कारण 400 साल से जिंदा था, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी थी। अब उस अल्केमिस्ट के मौत के बाद उसके सारे सामान को ऑक्शन में बेच दिया गया और तब से क्रोनोस का कहीं पता नहीं चला कि वो आविष्कार कहाँ गया जिससे कि इंसान अमर हो सकता था। और अब अगले सीन में हमें कई साल बाद की घटना दिखाई जाती है जहाँ हम जीसस ग्रीस नाम के बूढ़े शख्स को देखते हैं। इसकी एक एंटिक शॉप थी और उसकी एंटिक शॉप में एक मूर्ति रखी हुई थी और ये मूर्ति उसी अल्केमिस्ट की थी। अब जीसस अपनी पोती के साथ में अपनी शॉप में खेल रहा होता है, लेकिन तभी उस मूर्ति के अंदर से कुछ कॉकरोचेस निकलकर बाहर आते हैं। ये देखकर जीसस उस मूर्ति के पास में जाता है तो वो देखता है कि ये मूर्ति तो दरअसल अंदर से खोखली है। तब जीसस उसे खोलता है तो उस मूर्ति के अंदर से एक सुनहरा सा डिवाइस मिलता है। तब जीसस समझ जाता है कि ये कोई कीमती चीज है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अब मूवी में आगे हम एक एंजल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने अमीर अंकल के सारे काम किया करता था ताकि उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए, इसलिए वो उनकी सारी बातों को मानता था। लेकिन उसके अंकल हमेशा उससे नाराज रहते थे क्योंकि उसके अंकल सालों से उस अल्केमिस्ट की वही मूर्ति को ढूंढ रहे थे और एंजल को उसके अंकल की बातें समझ नहीं आती कि उसके अंकल भला एक मामूली मूर्ति के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन वो पैसों की लालच के कारण उनकी हर बात मानता था। अब एंजल को पता चल जाता है कि वो मूर्ति एक एंटिक शॉप में है जो कि जीसस की थी, इसलिए वो उस मूर्ति को खरीद लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब एंजल के जाने के बाद में जीसस उस डिवाइस को वापस से देखता है और वो उसके ऊपर दिखाई दे रहे स्क्रू को घुमाता है, तभी वो डिवाइस अचानक से एक इंसेक्ट की शेप में आ जाता है। जीसस को लगता है कि शायद ये कोई टॉय है, लेकिन उस डिवाइस से नुकीले डेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं और वो उसके हाथ को जकड़ लेते हैं। जीसस उसे निकालता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और अब जीसस को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये डिवाइस काम क्या करता है। अब जीसस वापस अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से अपने हाथ का इलाज करवाता है और अपनी वाइफ के पूछने पर जीसस उसे झूठ बोलता है कि ये चोट उससे कहां से आई है। अब रात के समय अचानक से जीसस को बेचैनी होने लगती है और वो पानी पीता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। तब अचानक से उसे फ्रिज में रखा कच्चा मांस खाने की इच्छा होती है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और फिर वो वापस से उसी डिवाइस को अपने हाथ में लगा लेता है और प्रेयर करने लगता है। तब उस डिवाइस में से एक डंक निकलता है और वो जीसस के ब्लड को पीने लगता है। तभी जीसस की पोती ऑरोरा उसे ये करते हुए देख लेती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि वो ठीक है। अब अगली सुबह जीसस उठता है तो वो देखता है कि वो और भी ज्यादा यंग नजर आ रहा था। जीसस की वाइफ भी जीसस को देखकर यही कहती है कि तुम पहले से यंग नजर आ रहे हो। अब जीसस अपने शॉप के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन वहाँ पहुँच कर वो देखता है कि उसकी शॉप को किसी ने बर्बाद कर दिया है और उसे वहाँ पर एक कार्ड नजर आता है जो कि गार्डिया नाम के एक रईस आदमी का था जो कि एंजल के अंकल थे। अब जीसस उनसे मिलने जाता है और पूछता है कि तुमने मेरी शॉप के साथ ऐसा क्यों किया। तब गार्डिया पुरानी बुक दिखाते हुए कहता है कि मुझे ये बुक लगभग 40 साल पहले मिली थी। इसमें कुछ नोट्स है जो कि 16वीं शताब्दी के अल्केमिस्ट ने लिखे थे, उसने एक डिवाइस बनाया था। तब फोटो देखकर जीसस कहता है लेकिन इसमें तो कीड़े की फोटो है। गार्डिया कहता है यही वो डिवाइस है। गार्डिया को यकीन था कि जो मूर्ति उसने जीसस के पास से खरीदी है उसमें ही वो डिवाइस छुपाया गया है जिसका जिक्र इस किताब में है। तब जीसस उसे कहता है कि मुझे लगता है आपको इन चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तब गार्डिया उसे बताता है कि मैं दरअसल अपनी बीमारी की वजह से जल्दी मरने वाला हूँ और मुझे उस डिवाइस की जरूरत है। ऐसा कहकर गार्डिया जीसस के साथ लाया बॉक्स उठाकर देखने लगता है और तभी उसकी नजर जीसस के हाथ पर पड़ती है जिस पर पट्टी बंधी थी। तब गार्डिया समझ जाता है कि जीसस ने उस डिवाइस का इस्तेमाल किया है। तब जीसस भी उसे बता देता है कि हाँ, मैंने उस डिवाइस का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो गलती से हुआ था।
तब गार्डिया एंजल को वहां पर बुलाकर जीसस को वहां से ले जाने को कहता है और वो उस बॉक्स को अपने पास ही रख लेता है। जीसस के जाने के बाद जब गार्डिया उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें उसे एक टूटा हुआ ताला नजर आता है। अब जीसस वापस अपने घर आता है और देखता है कि उसका डिवाइस गायब हो चुका है। फिर वो अपनी पोती के पास जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसके साथ खेल रही होगी। तब जीसस अपनी पोती औरोरा से बात करता है और वो जीसस को डिवाइस दे देती है। आगे जीसस उस डिवाइस का फिर से अपने ऊपर इस्तेमाल करता है जिससे वो और भी ज्यादा यंग नजर आने लगता है। और फिर से वो अपनी बीवी और पोती के साथ में एक पार्टी में जाता है और वहाँ पार्टी में एक आदमी के नाक से अचानक से खून आने लगता है जिसे देखकर जीसस को कुछ महसूस होता है और फिर जीसस भी उस आदमी का पीछा करते हुए उसके साथ चला जाता है। वो आदमी बाथरूम में अपना ब्लड साफ कर रहा होता है तभी उसका थोड़ा ब्लड फर्श पर गिर जाता है और तब उस आदमी के वहां से जाने के बाद जीसस उस वॉशरूम में जाकर फर्श पर गिरे हुए खून को चाटने लगता है और उसको खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है। तभी अचानक से वहां एंजल आता है और जीसस को मारकर बेहोश करके उसे किडनैप करके ले जाता है और फिर एंजल उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे मारते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे अंकल को चाहिए। तब जीसस उसे बताता है कि तुम्हारे अंकल को लगता है कि मेरे पास जो डिवाइस है उसे अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। ये सुनकर एंजल को उस पर यकीन नहीं होता और वो हंसने लगता है, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो बातों ही बातों में जीसस को बहुत मारता है और उसे लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो उसे कार में बिठाकर कार को नीचे ढकेल देता है जिससे जीसस पूरी तरह घायल हो गया था लेकिन वो अभी भी जिंदा था। अब इसके बाद एंजल अपने अंकल के पास चला जाता है तो उसके अंकल उससे बहुत ही नाराज होते हैं और उसे मार मार कर जख्मी कर देते हैं। उसके अंकल उसे कहते हैं कि क्या तुमने देखा था उसका दिल सही सलामत था या नहीं। एंजल कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मर चुका था। लेकिन एंजल के अंकल उसे दोबारा चेक करने के लिए कहते हैं कि जीसस सचमुच मरा या नहीं। यहाँ दूसरी तरफ जीसस को उसके फ्यूनरल के लिए तैयार किया जाता है और तब एंजल भी वहाँ आता है ये देखने के लिए कि जीसस जिंदा है या नहीं, और वो देखता है कि जीसस सांस नहीं ले रहा था। और फिर जीसस की बॉडी को भट्टी में ले जाने के लिए रेडी किया जाता है, लेकिन भट्टी में भेजने से पहले ही जीसस कफिन से बाहर आ जाता है और जलाने वाला आदमी खाली कफिन को ही भट्टी में भेज देता है। तब वहाँ एंजल भी आता है और वो जलते हुए कफिन को देखकर बहुत खुश होता है कि जीसस अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन जीसस तो उस डिवाइस के असर के कारण अभी भी जिंदा था और वो किसी तरह से बचकर बाहर निकल आता है और वापस अपने घर चला जाता है। और घर जाकर वो अपनी पोती से मिलता है और जीसस की पोती भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी पोती उसे फिर वही डिवाइस दे देती है जिसका जीसस फिर से अपने ऊपर इस्तेमाल करता है। लेकिन उस डिवाइस को यूज करने के कारण जीसस जिंदा तो था लेकिन उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी और बॉडी पर उजाला पड़ते ही उसकी बॉडी जलने लगती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है और उसके शरीर में खून भी खत्म हो चुका था। अब जीसस एक तरीके से पिशाच बन चुका था, इसलिए वो एक बॉक्स में अपने आप को बंद कर देता है। अब इसके बाद जीसस वापस में गार्डिया के पास जाता है कि शायद जो किताब गार्डिया के पास थी उसमें उसे ठीक होने का कोई सॉल्यूशन मिल सके, और वो अकेले उस किताब को लेने चला जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसकी पोती भी उसका पीछा करते हुए आ गई थी। तब जीसस उसे देखकर डांटने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन जीसस उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसे अपने साथ रख लेता है। अब जीसस अपनी पोती के साथ गार्डिया के कमरे में पहुंचता है और उस किताब को ढूंढ लेता है, पर गार्डिया नींद से जग जाता है और वो जीसस से कहता है मुझे पता था तुम इस किताब की तलाश में वापस जरूर आओगे। तब जीसस कहता है तुमने तो कहा था मैं उस डिवाइस से अमर हो जाऊंगा, पर देखो मेरी बॉडी तो धीरे धीरे गल रही है। तब गार्डिया उसके चेहरे की स्किन को खींच कर निकाल देता है और फिर वो देखता है कि उसके नीचे एक नई त्वचा आ रही है। तब गार्डिया उसे बताता है कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है और इसके लिए तुम्हें इंसानी खून पीना होगा। लेकिन जीसस एक अच्छा इंसान था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि क्या कोई और तरीका है जिससे मैं पहले जैसा बन जाऊं। तब गार्डिया कहता है इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पहले वो डिवाइस देना होगा। और तभी चालाकी दिखाते हुए गार्डिया बटन दबाकर एंजल को बुला लेता है और जीसस उसे डिवाइस देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। और तभी गार्डिया उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर तभी औरोरा गार्डिया पर छड़ी से हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। गार्डिया का बहुत ही खून बह रहा था, तब जीसस उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाता है, पर तभी एंजल लिफ्ट के जरिए ऊपर आने लगता है और आवाज सुनकर औरोरा और जीसस वहीं छुप जाते हैं। अब एंजल गार्डिया को देख काफी खुश होता है कि उनकी सारी जायदाद अब उसकी है, लेकिन गार्डिया अभी भी जिंदा था। ये देखकर एंजल उसे पूरी तरीके से मार देता है।
तब जीसस भी एंजल पर हमला करके अपनी पोती के साथ वहाँ से भागने लगता है और एंजल भी उसे मारने के लिए उनका पीछा करता है। अब जीसस और ऑरोरा ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और एंजल भी उनका पीछा करता है। अब ऑरोरा की जान बचाने के लिए जीसस उसे दूसरे रास्ते से नीचे भेज देता है और खुद एंजल को अपने साथ लेकर नीचे गिर जाता है। अब नीचे जाकर ऑरोरा देखती है कि जीसस कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसलिए वो अपनी डॉल से डिवाइस निकाल कर जीसस की बॉडी पर लगा देती है और जीसस फिर से जिंदा हो जाता है। अब जीसस ऑरोरा के हाथ में उसका खून देकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो खुद पर काबू पाकर उस डिवाइस को अपने शरीर से निकाल देता है। और उसे पता था कि उसे जिंदा रहने के लिए डिवाइस की जरूरत है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था इसलिए वो उस डिवाइस को पत्थर मारकर तोड़ देता है ताकि आगे से कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। आगे वो वापस अपनी पोती को लेकर अपने घर चला जाता है और वहीं अपनी पत्नी और पोती के साथ में अपनी आखिरी सांसें लेता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज़ की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।